पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को स्टार प्रचारक बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है। ये टिप्पणी की है हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर बेरोजगार युवा एवं श्रमिक मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा की। सोलन में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कांग्रेस को राहुल गांधी के इस निर्णय पर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और चारों की चारों सीटें भाजपा जीतेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को स्टार प्रचारक बनाकर कांग्रेस राहुल गांधी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ये टिप्पणी हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर बेरोजगार युवा एवं श्रमिक मोर्चा अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी के इस निर्णय पर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और चारों सीटों पर भाजपा अपना विजय परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि सुखराम और वीरभद्र की जोड़ी अब कोई करिश्मा नहीं दिखा सकती है, अब हिमाचल के लोगों के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को स्टार प्रचारक बनाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अब वीरभद्र सिंह का अध्याय खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को विजय नहीं दिलवा सका, नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया, तो ऐसे व्यक्ति कांग्रेस को कैसे जितवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुखराम और वीरभद्र की जोड़ी अभी कोई भी करिश्मा नहीं दिखा सकती है, क्योंकि अब दोनों ही हाशरे पर हैं और परिवारवाद से ग्रस्त हैं, इसलिए अब प्रदेश में भाजपा ही चारों सीटें जीतेगी। राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो स्टार प्रचारक बनाया है, इन्होंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार दी है। वीरभद्र सिंह की वो छवि नहीं रही जो आज से पहले हुआ करती थी। आप देखिए कि जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इनकी पत्नी प्रतिभा सिंह मंडी से चुनाव हार गई, उसके बाद शिमला नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, फिर विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में भी हार का सामना देखना पड़ा। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जिन्होंने एक वर्ष के कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम किया, विकास की गंगा बहा दी और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों को 21% अंतरिम राहत दे के करोड़ों रुपए के लाभ दिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ये समझते हैं कि वीरभद्र सिंह और सुखराम जो है हिमाचल प्रदेश में कहर डालेंगे, वो जीरो है काम, दोनों खत्म है, ये इनके साथ अब कोई नहीं है। लोगों को हिमाचल प्रदेश के जनता को पता है कि ये परिवारवाद से ग्रस्त हैं, सुखराम जी भी ग्रस्त हैं, वीरभद्र सिंह जी भी ग्रस्त हैं, तो इनके नाम से कोई वोट मिलने वाला नहीं है। और दूसरे ये दोनों बेल पे हैं, अदालतों में मामले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले अदालतों में हैं, कहीं ईडी में है, कहीं सीबीआई में है, तो इन्होंने प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, तो आज इनका इस लोकसभा चुनाव में कोई इनके नाम से वोट नहीं देगा। कांग्रेस के जो चारों उम्मीदवार हैं भारी मतों से हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भारी मतों से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और पेंशन को जिताएंगे। गौरतलब है कि इस प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर्स बेरोजगार युवा एवं श्रमिक मोर्चा अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा और M.R. संगरोली मौजूद थे। संगरोली श्रमिक मोर्चा के महासचिव कम और भाजपा के कार्यकर्ता ज्यादा रहे हैं, क्योंकि वे प्रेस वार्ता में भी भाजपा का पटका पहनकर आए हुए थे, इसलिए इनकी बातों और आरोपों में मतदाता कितनी गंभीरता से लेते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कार्यक्रम एक बार फिर से वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।